वेलकम टू योर चैनल प्रियाज ब्यूटी पार्लर एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप सब? तो गाइज आज हम करेंगे डायर। जैसा कि आप देखें तो पहले इनके हेयर पे हमने स्ट्रेट हेयर कटिंग की, फिर स्ट्रेट हेयर कटिंग की, आज हम डायर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए गाइज, ये बिल्कुल फ्री है, तो कंजूसी मत किया करिए। अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। तो फिर से एक बार सभी मेरे जितने भी हमसे बड़े उनको चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, इसी तरह प्यार सहयोग बनाए रखें। वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करिए, इससे आप ये मत सोचिए कि सब्सक्राइब करेंगे तो या तो आपके बैलेंस पे कुछ असर आएगा या आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आपके एक सब्सक्राइबर से हम लोग का सहयोग बढ़ता है, जो हम करते और करने की इच्छा बढ़ती है। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर बन जाए, मेरे सब्सक्राइबर बन जाते गाइस, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के वजह से 1 साल तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, बीच बीच में 6-6 महीने के 5 महीने, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से आज मेरा वीडियो थोड़ा पीछे हो गया, मुझे फिर से दोबारा बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं तो कब का मेरे 1 लाख हो जाते। आप बहुत मेरे पिछले वीडियो में जाके देखेंगे ना तो एक एक हेयर कटिंग की एक कम से कम 4-5 हज़ार बार एक वीडियो को देखी जाती थी। लेकिन क्या करें, उस समय ऐसा ही था ही कि कोई भी होता मेरी जगह में तो वो भी वीडियो ना बनाता। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इनकी हेयर कटिंग कर दी। अगर आप इनके हेयर कटिंग की वीडियो नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं अच्छे से। और ये दीदी बहुत दूर से आई हैं, शाम के 6 बजे, और मेरे घर से 15-20 किलोमीटर दूर है इनका घर। तो इन्हें ब्लीच करना था तो हम यहाँ पे इनका फेस क्लीन हो गया है, फेशियल बैंड लगा दिया गया। और जो क्लाइंट उन्होंने बोला कि आप कर दीजिए इनका ब्लीच, लगा दीजिए, जब तक ब्लीच होती रहेगी इधर आप मेरा डायर कर दीजिएगा हेयर पे। हमने कहा चलिए ठीक है, तो बस इसी तरह उनका ब्लीच लगा दें, इनकी हेयर कटिंग कम्प्लीट हो जाएगी इनका। तो आप देख सकते हैं इनके बालों पे ऑयल भी लगा था, तो ऑयल लगे हेयर पे आप कैसे डायर कर सकते हैं, कैसे स्टेप कर सकते हैं, वो सारे डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, उससे पिछली वाली वीडियो में भी मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, बिना आपके सहयोग कुछ नहीं होता। तो एक बार फिर से मेरे जितने सब्सक्राइबर उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार सहयोग बनाए रखें, बिना आपके प्यार सहयोग के बिना कुछ नहीं हो संभव है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर से डायर लिया, और अगर आपको डिटेल में देखना है, कुछ भी पूछना ज़रूर पूछिएगा। मेरे सब्सक्राइबर ने फेशियल की वीडियो मांगी तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी आपके लिए फेशियल वीडियो बनाऊँ स्टेप बाय स्टेप। इतने मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका जो कमेंट आता है मेरे बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट भेजिए। और ऐसा नहीं कुछ कमियाँ तो आप बताइए, उस चीज़ को मैं सुधारूँगी और अपने वीडियो में और बेटर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे फोल्ड किया और अच्छे से हेयर करेंगे। इस समय सीज़न जैसा जो आप लोग सब जान रहे हो कि शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे ज़्यादा हम अपॉइंटमेंट लेके ही काम करें। 2020-21 में जो सिचुएशन आई थी गाइस, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कर दिया था कि अपॉइंटमेंट लेके ही मैं काम करती हूँ, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं लगाती, क्योंकि पार्लर भी मेरा छोटा ही है और रेंट पे है, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाना चाहती, क्योंकि इसमें 11 मंथ के बाद 10% बढ़ जाता है, तो मैं इसमें पैसे भी नहीं लगाना चाहती। अपना होता तो कोई बात भी थी, तो कोई मतलब नहीं है गाइस, बस किसी तरह काम चला रहे। हर साल तो पैसा 10% बढ़ जाते हैं मेरे रेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप क्लाइंट से हर साल नहीं बढ़ा सकते ना। हर क्लाइंट पार्लर की ऐसी वो है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा कर वो कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में इतने पार्लर हैं कि हम क्या बताएं। अब बहुत कम पैसे में कंपटीशन इतना फास्ट हो गया है कि आपको क्या बताएं। तो यहाँ देख सकते हो मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट भी रखी थी, जिससे कि आप लोग बोर ना हो, नहीं तो स्क्रिप करेंगे वीडियो को, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। तो
अब इनकी हमने ब्लीच लगा रहे हैं, तो ब्लीच होती रहेगी। इधर हम फिर तो यहाँ देख सकते हैं इनको हमने ब्लीच लगा दी है। और गाइस 19 नवंबर को यहाँ महिला संगठन महिला सशक्तिकरण कमल की ओपनिंग हुई है, जो अब पूरे देश में लागू होगी धीरे धीरे। तो यहाँ प्रयागराज में ओपनिंग हो गई है, उद्घाटन हो गया है, अब सारे देशों में होगा। और महिला के प्रति जागरूक और क्या क्या उनके प्रति अधिकार हैं सारी चीज़ें बताई गई है, जहाँ पे हम लोग गए हुए थे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी, पिक्चर भी शेयर करूँगी। वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, और लाखों की संख्या में महिलाएं आई हुई थी, जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी थी, काफ़ी अच्छा था। और अपने राज्यसभा अध्यक्ष भी आई हुई थी, और काफ़ी दिग्गज लोग वहाँ पे आमंत्रित थे और आए हुए थे। ये सौभाग्य मिला जो हमने देखा था वैसा टीवी में नहीं, कि बहुत बड़े बड़े माले होते हैं, 6-7 लोग पकड़ के वो करते हैं, तो वो चीज़ देखने को मिली, तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस। और मैं और ख़ास बात तो ये है वहाँ, और गाइस ख़ास बात तो ये रही वहाँ की कि ये मौका मुझे मिला। और स्वागत जब हुआ तो राज्यसभा के अध्यक्ष आए थे, तो मुझे ही, मैं भी वहाँ पे थी, स्वागत के लिए गई थी, कुछ लोगों को ही बुलाया गया जिसमें से मैं एक थी, और काफ़ी अच्छा लगा। जो माला हमेशा मोदी जी और बड़े बड़े दिग्गज लोग के साथ हमने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में देखा था, वो माला मुझे खुद पकड़ने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा। अपना प्यार सहयोग बनाए रखें, और लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करिए, बिल्कुल फ्री है, तो कंजूसी मत किया करिए। तो एक बार फिर से मेरे जितने बड़े उनको चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, इसी तरह प्यार सहयोग बनाए रखें। और जो भी मेरी बहनें माताएं हैं, खुल के शेयर किया करिए वीडियो को, और अच्छा लगेगा आपको भी। आप लोग के सहयोग के बिना कुछ संभव है नहीं। तो इसी तरह देख सकते हैं इनके ऑयल हेयर पे मैंने हेयर कटिंग की है, कैसा लगा आपको? यही काफ़ी अच्छे हेयर होते हैं ना गाइस, सूखे होते, अच्छे धुले होते, तो और अच्छा रिस्पांस दिखता। तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी देखने को मिलेगी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, मैं वीडियो लगातार डालती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लाइक ज़रूर कर।